नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल फेस्ट क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार स्वास्थ्य विभाग 2024 60,000 पदों पर नई बहाली, एनएम लैब टेक्नीशियन न्यू बहाली, 433 टेक्नीशियन नर्स और डॉक्टर की होगी बहाली। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके न्यू बहाली की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और बीटीसी विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आज के डेट में न्यू बहाली को लेकर आई है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एनएम की न्यू वैकेंसी कितने पदों पर आ रही है, जीएनएम, फार्मासिस्ट, ओटी एस्टेन, ईजीसीएक्सआर टेक्नीशियन, पैरामेडिकल और ड्रेसर की न्यू वैकेंसी कितने पदों पर आ रही है या वैकेंसी कब आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्वास्थ्य विभाग में न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे फार्मासिस्ट, ओटी एस्टेन, ईजीसीएक्सआर टेक्नीशियन, एनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, ड्रेसर की न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं और आपके सामने भी देख रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 433 टेक्नीशियन और नर्स डॉक्टर की होगी बहाली। तो चलिए क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है बीटीसी विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज के डेट में, सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। और बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट के लिए पटना हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देख लीजिए दोस्तों आज के डेट में जो अपडेट निकल के आ रही है, 433 टेक्नीशियन, नर्स और डॉक्टरों की होगी बहाली, पीएमसीएच, देख लीजिए आज का न्यूज है। तो चलिए हम आपको अच्छे से पढ़ के सुनाते हैं सारा चीज में लिखा हुआ। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुनः विकास योजना के बाद अब मरीजों को बेहतर इलाज की व्यवस्था के दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई आरंभ कर दी है। पीएमसीएच को 5400 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों की जांच को लेकर सिर्फ रेडियोलॉजी विभाग में 122 मशीन उपकरण की, चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए, 122 मशीन उपकरण की खरीद होगी और चिकित्सकों के साथ नर्सों की नियुक्ति की दिशा में पहल शुरू हो चुकी है। सिर्फ रेडियोलॉजी विभाग में सरकार 433 टेक्नीशियन, चिकित्सक और नर्सों की नियुक्ति करेगी। पीएमसीएच के पुनः विकास योजना को लेकर स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में पद सृजन संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए, आपके सामने हम सारा चीज लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए इसी प्रकार यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ 10 नर्स और 4 स्पेशलिस्ट हैं। देख लीजिए दोस्तों इसी प्रकार से 16 डीआर सिस्टम को चलाने के लिए 64 टेक्नीशियन, 30 मोबाइल एक्सरे को चलाने के लिए साइट एक्सरे टेक्नीशियन, 16 अल्ट्रासाउंड को चलाने के लिए 48 टेक्नीशियन, 30 कलर डॉपलर के साथ पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड को चलाने के लिए साइट टेक्नीशियन, 2 डिजिटल मेमोग्राफी मशीन के चलाने के लिए 6 महिला एक्सरे टेक्नीशियन, 1 एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड को चलाने के लिए 2 टेक्नीशियन, 6 ओपीजी एक्सरे के लिए 12 टेक्नीशियन और 3 डेक्सा मशीन को चलाने के लिए 6 टेक्नीशियन की आवश्यकता है। इन सभी मशीनों से होने वाली जांच की रिपोर्ट, चलिए आगे बताते, आगे देख लीजिए। तो दोस्तों देख लिए कितनी बड़ी संख्या में फिर से वैकेंसी निकल के आ रही, न्यू वैकेंसी, बहुत सारा स्टूडेंट न्यू वैकेंसी को लेकर परेशान थे, सर आप सिर्फ एनएम पे लगे रहते हैं, न्यू वैकेंसी के बारे में नहीं बताते हैं। तो दोस्तों न्यू वैकेंसी के बारे में जब अपडेट आएगा उसी समय हम आपको बताएंगे, आज अपडेट आया तो आज हम आपको वीडियो बना के बता रहे हैं। तो चलिए ये पहला अपडेट हो गया, देख लीजिए सभी का, एनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, ओटी एस्टेन, एजीसीएक्सआर टेक्नीशियन, सभी का वैकेंसी आ रही है और सभी का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी आपके सामने में, देख लीजिए कहाँ कितने हैं पदों पर, देख लीजिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, हम आपको डिटेल्स में बता दिए। चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए क्या अपडेट निकल के आई है। अगला अपडेट देख लीजिए, सदर अस्पताल के शीघ्र दूरी की जाएगी कमियां। तो दोस्तों सदर अस्पताल में जो कमियां दूरी होगा, तो जहां आपको स्टाफ नहीं है तो स्टाफ की बहाल किया जाएगा, आपको भी पता होना चाहिए। तो अब से देख लीजिए नीतीश सरकार जो है इधर बीजेपी से मिला है, तो अब देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग में भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सम्राट चौधरी पहले काम नहीं करते थे, इनको पावर नहीं मिला था, पावर मिल चुका है। तो देख लीजिए जो पेंडिंग वैकेंसी है उसको जल्द बोले क्लियर करने के लिए और न्यू वैकेंसी जल्द से जल्द निकालने के लिए। तो देख लीजिए आपके सामने में सभी कुछ एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, आपके सामने में हर चीज लिखा हुआ है। तो सदर अस्पताल की शीघ्र दूरी की जाएगी कमियां, तो जो स्टाफ नहीं है स्टाफ वहां पे बहाल किया जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए,
उसके बाद अगला अपडेट देख लीजिए, जिला अस्पतालों में डॉक्टर को सप्ताह में न्यूनतम 48 घंटे की करनी होगी ड्यूटी। देख लीजिए यहाँ पे 48 घंटों की करनी होगी सप्ताह में आपको ड्यूटी। देख लीजिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आज से जो भी अपडेट हम आपको बता रहे हैं ये आज का लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए आगे बताते आगे देख लीजिए, ये तो हम अभी आपको बता ही दिए। देख लीजिए यहाँ पे हर एक चीज़ हम आपको बताएं, देख लीजिए अभी यहाँ पे पढ़ के बता दिए हैं कि कितना जो है 6 टेक्नीशियन की आवश्यकता है इन सभी मशीनों से होने वाली जांच की रिपोर्ट तैयार करने के लिए। 5 प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर, 20 असिस्टेंट प्रोफेसर और 50 सीनियर रेसिडेंट की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी मशीन उपकरणों के साथ PMCH के अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। विभाग को प्रस्ताव भेजने के बाद तेजी से कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। आपके सामने हम देख लीजिए कितने पदों पर बहाली होगी, हर एक अपडेट हम आपको बताते रहते हैं। आज के डेट में ये अपडेट निकल के आई है, तो चलिए आगे बताते हैं आगे क्या अपडेट निकल के आई है। दोस्तों पटना हाईकोर्ट जो है केस को रिजर्व रख लिया है, तो उसमें बहुत सारा स्टूडेंट परेशान है सर कब तक क्लियर होगा, तो चलिए हम बताते हैं। देख लीजिए जब कोई अदालत फैसला सुरक्षित रखती है तो इसका मतलब है कि मामले को कुछ समय के लिए स्थगित रखा गया है। ऐसा तब किया जाता है जब सभी पक्ष अपनी दलीलें पूरी कर लेते हैं और सभी लिखित दलीलें अदालत में दाखिल कर दी जाती है। या याद रखना चाहिए कि एक बार निर्णय आरक्षित हो जाने के बाद कोई दस्तावेज तर्क आदि प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होती है और निर्णय सुरक्षित रखने से लेकर फैसला सुनाने तक का समय न्यायाधीश को निर्णय लिखने में सुविधा प्रदान करने के लिए होता है। तो पहले भी बता दिए सुरक्षित रखने का मतलब है दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद इसमें न्यायालय या पटना हाईकोर्ट फाइनल आपको जजमेंट देगा। इसमें आप कोई नहीं, दोनों पक्ष में आप कोई कुछ नहीं आप कर सकते हैं क्योंकि फैसला सुरक्षित रख गया नहीं, इस पर जो है सुनवाई होगी। और पहले भी हम आपको बता दिए कई दफ़ा अभी जो है लोग स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। ये तो हम आपको बता ही दिए थे जो अभी देख लीजिए, जब तक आपको फाइनल जजमेंट नहीं आएगा तब तक जो है विभाग आपको फाइनल मेधा सूची जारी नहीं करेगा। जिसको नहीं पता है वह आपको कुछ भी बता सकता है, बट हम तो सबूत से चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो 15 तारीख को सुनवाई हुई थी 15 जनवरी का, ऐसा नहीं देख लीजिए, तो विभाग हर चीज़ कर सकता है। विभाग हर चीज़ आपको रिजल्ट भी जारी किया, उसके बाद काउंसलिंग भी करवा रहा है। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग भी समाप्त हो चुकी है 23 फरवरी को ही। अब 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आपको सेकेंड राउंड का काउंसलिंग चलेगा, बट यहाँ पर फाइनल मेधा सूची जारी नहीं कर सकता जब तक पटना हाईकोर्ट आपको जो है फाइनल जजमेंट नहीं देगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ देख लीजिए, भर्ती का अंतिम परिणाम वर्तमान मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी कह रहा है हर चीज़ कह रहा है, जो नहीं आपको 15 मार्च तक जो है मेधा सूची जारी कर देगा विभाग BTC आयोग, तो संभव नहीं है। BTC NM जो भी कैंडिडेट है आप आगे पढ़ाई पर फोकस कीजिए, न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, अभी हम आपको बता भी दिए हैं। और 60,000 पदों पर जो है फिर से NM की वैकेंसी आ रही है, तो परमानेंट वैकेंसी और संविदा वाले दोनों वैकेंसी, दोनों 33,000 वैकेंसी है। अब विभाग तय करेगा पहले संविदा वाला लेंगे या पहले परमानेंट लेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, तो इसलिए आप लोग जो है पढ़ाई पे आँख मूंद के फोकस कीजिए, क्योंकि अभी फाइनल मेधा सूची पर रोक है। जिसे नहीं समझ में है, जो ना समझ इंसान है, जिसको समझ नहीं है, ठीक है, तो उसको ये आप नोटिस दिखा सकते हैं, ये सभी जगह हम नोटिस दे दिए। तो दोस्तों यही कुछ आज के डेट में जो है न्यू बहाली को लेके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से BTC आयोग की तरफ से जो है निकल के आई है, वही हम आपके भी शेयर किया है, होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपको ही पता है जो आज 12 बजे वाला क्लास हम नहीं लिए हैं और आज जो है नाइट में 10 PM वाला क्लास होगा, तो 10 PM में हम लोग विशेष बात करने वाले हैं, यही जानकारी देने वाले हैं, जो कि न्यू वैकेंसी को रिगार्डिंग जो अपडेट निकल के आई है वही अपडेट हम आपके बीच शेयर किया है, होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और 10 PM में हम लोग फिर लाइव आएंगे, तो डिटेल्स बात करने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए।